वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज बड़ी अपार कृपा है जो हर साल की तरह सालाना जोड़ मेला श्री चोला साहब डेरा बाबा नानक धरती से जो हर साल की तरह बड़ी धूमधाम नाल मनाया जाता है, जो कि एक तरीक तो संघ डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर तो चल के डेरा बाबा नानक जो पहुँचता है। बड़ी अपार कृपा है अज गुरु नानक साहब जी की, दास ने 16वीं पीढ़ी गुरु नानक साहब के अंश वंश विचों बाबा अवतार सिंह बेदी श्री चोला साहब वाले। बड़ी अपार कृपा है ये गुरु नानक साहब जी ने अकाल पुर परमेश्वर पासों दस शॉर्ट में दस रहे हैं। ये गुरु नानक साहब महाराज ने अकाल पुर परमेश्वर पाछों 6 बाने उदासी के प्राप्त हुए सन। सब तो पहला मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम करता निरभौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी साहब गुर प्रसाद के नाल 6 बाने उदासी के प्राप्त हुए सन, जिन्हां विचों सहली टोपी माला पोथी पवे ते श्री चोला साहब, जिन्हां विचों 5 वस्तां जिहड़ियां ने सोढ़ी परिवार कोल ने सहली टोपी किरतपुर साहब डिस्ट्रिक्ट रोपड़ विच, माला पोथी पवे गुरु हर साहिब डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर। 6वीं वस्त जिहड़ी चोला साहब है डेरा बाबा नानक तुसीं दर्शन कर रहे हो इत्थे चोला साहब डेरा बाबा नानक। ये इस तरह ही सारियां वस्तां गुरु नानक साहब तो गुरु अंगद देव महाराज तक आईयां। गुरु अंगद देव महाराज, गुरु अमरदास, गुरु रामदास महाराज जी को फिर गुरु अर्जन देव महाराज, जिन्हों विचों दास ने दसिया पहलियां 5 वस्तां जिहड़ियां सोढ़ी परिवार ने। 6वीं वस्त जिहड़ी है ये गुरु अर्जन देव महाराज ने एक सिख ते जदों हरिमंदर साहब सरोवर की पटाई चल रही थी उस वक्त इतने रोड़बंद सकत्री जात के सिख सन जो बल्क बुखारे अफगानिस्तान के रहने वाले सन, वो इतने सेवा से आए हुए सन। सेवा करते करते उन्होंने पैर से सट लग गई, सेवा तो ना हटन। फिर उन्होंने सेवा से खुश हो के गुरु साहब जी ने यह चोला साहब उन्होंने भेट कर दिता कि जाओ भाई जिते तुम दर्शन कराया करोगे दुनिया इस पूजा करेगी, क्योंकि उन्होंने मंग की उन्होंने इलाका मुसलमानी से। वो कहते सन जो भी मैं सवेरे अरदास करदा कड़ा प्रसाद की देख करदा लोग मेरा मजाक उड़ाते, कुछ ऐसी दात बख्शिश हो जिन्हें सिखी का वाधा हो। उस वक्त महाराज की बीट साहब तैयार नहीं सी, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सवारी तैयार नहीं सी। फिर उन्होंने 6वीं बस चोला साहब खुश होकर उन्होंने भेट कर दी, जाओ भाई जिते तुम दर्शन कराओगे दुनिया इस पूजा करेगी। वो फिर अपने शहर लग गए। जब तक उन्होंने को सेवा हुई उन्होंने की, जो बिरध अवस्था आई उन्होंने सोचा हो सकता मेरे बच्चे कल इसकी कदर ना करन। उन्होंने चोला साहब उत्ते रख के वड्डा सारा पत्थर देता अरदास करती, महाराज जिन्होंने तुम हुकम दोगे वही इतों चोला लैके जाने तो पत्थर नटे। सिख के विरसे जी अरदास है बिरती कदे ना हो गई जानकी अरदास नानक जुड़ गोबिंद का पूरन कुंतास। इसे तो इतने गुरु नानक साहब आए हैं जी 4थी उदासी में, इतने आए हैं 4थी उदासी। इतने 17 साल 5 महीने 9 दिन गुरु नानक साहब धरती से गुजारन किए। ये जगह का नाम पहला पक्को के रंधावे से, ये जगह जी है अजित्र रंधावे की सी। गुरु नानक साहब के वड्डे सपुत्र बाबा श्री चंद जी ने यह शहर वसाया से गुरु नानक साहब के नाँ तो। डेरा बाबा नानक जदों इतने भभूति वाला गढ़वा स्थापित किया जिस चदरे से गुरु नानक साहब के 2 हिस्से हुए सन।